आज की इस वीडियो में मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर एक चर्चा आप प्रस्तुत करना चाहूंगा। इतिहास के लेखन में स्रोतों का बड़ा विशिष्ट महत्व है और इतिहास का लेखन बिना स्रोत के नहीं किया जा सकता। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में जहां पुरातात्विक स्रोतों का अपना एक अलग महत्व है, वहीं साहित्यिक स्रोतों का भी अलग महत्व है। अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग साहित्यिक स्रोतों को अलग अलग श्रेणी में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, ऐसे साहित्य जिनका रिलेशन किसी धर्म से है उनको हम धार्मिक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे साहित्य जिनका रिलेशन किसी धर्म विशेष से नहीं है उनको हम धर्मेतर साहित्य या अधार्मिक साहित्य या अलौकिक साहित्य के अंतर्गत उसको हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में समय समय पर विदेशी यात्रियों का आना होता रहा और उनके जो विवरण है वह भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। विदेशी यात्रियों के जो विवरण है, भारत में यूनानी यात्री आए, चीनी यात्री आए, तिब्बती यात्री आए, अरबी यात्री आए, उनके विवरण प्राचीन भारत को जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धार्मिक साहित्य में यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ऐसे साहित्य जिनका रिलेशन विशेष तौर पे ब्राह्मण ग्रंथों से है, वैदिक ग्रंथों से है, उसको हम लोग ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। और उसमें एक तो वैदिक युगीन साहित्य है जिसको वैदिक साहित्य यहाँ पे बताया गया है और दूसरा वैदिकेतर साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है और वैदिकेतर साहित्य के अंतर्गत वेदांत, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र और उसके अंतर्गत धर्म सूत्र, टीकाएं और स्मृतियां हैं। अब आइए हम लोग कुछ डिटेल में इस पर बात करना चाहेंगे। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान और इसका संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। हालांकि वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। चार वेद मुख्य रूप से हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और जो ऋग्वैदिक युग है 1500 BC से 1000 BC का, उसके इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। और जो शेष तीन वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वे उत्तर वैदिक युगीन इतिहास को जानने के स्रोत माने जाते हैं। इस तरह जो 900 वर्ष का वैदिक युग है उसको जानने का स्रोत ये चार वेद हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप ब्राह्मण देख रहे हैं उसके बारे में यह कहा जाता है कि ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ और यण का मतलब होता है व्याख्या करना, यानी ब्राह्मण यानी यज्ञ की व्याख्या करने वाला। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट भी कहा जाता है और जो वेदों की व्याख्या की गई है वह गद्य भी की गई है। आरण्यक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अरण्य का मतलब होता है जंगल और जंगल में जो ज्ञान प्राप्त किया उसको आरण्यक माना गया। और इसमें एक तरह से जहां एक और दार्शनिक अभिव्यक्ति हम देखते हैं, वहीं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी इसमें हमें देखने को मिलती है। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के निकट बैठकर शिष्य का सीखना। और जो उपनिषद है वे वेदांत की श्रेणी में भी आते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। कहा जाता है कि भारतीय दर्शन की शुरुआत जहां अरण्यक से हुई वहीं उसका चरम हमें उपनिषद में देखने को मिलता है। इसका प्रमुख विषय आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या है और इसे
गद्य में भी और पद्य में भी यह पाया जाता है। 108 उपनिषदों की चर्चा हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में मिलती है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट बृहदारण्यक उपनिषद को माना जाता है और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद को माना जाता है। वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग यानी वेदों के अंग, जिसका संकलन 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था, इसमें 6 प्रमुख हैं: शिक्षा, काल, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके अलावा जो सूत्र साहित्य है, जिनका संकलन 600 बीसी टू 300 बीसी के मध्य हुआ, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण पाणिनि का अष्टाध्यायी है, जो कि गद्य में लिखा गया। हमारे देश में जो महाकाव्य है, विशेष तौर पे रामायण और महाभारत, वह जन सामान्य में बेहद प्रचलित हैं। और जब हम संगम साहित्य की चर्चा करते हैं, तो संगम युग में जो महाकाव्य है, शिलपादिकारण, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडल केसी, इसकी चर्चा भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंस हमारे देश के समाज में रामायण का है और महाभारत का है, यह अपने आप में विशिष्ट है। प्राचीनता के दृष्टिकोण से रामायण को माना जाता है और इसका संकलन या लेखन 5th century BC से 3rd century AD के मध्य हुआ। वहीं महाभारत का संकलन या लेखन 400 BC टू 400 AD के मध्य हुआ, जहां रामायण में रामचंद्र जी को विशेष तौर पर हाईलाइट किया गया है, उन्हें त्रेता युग का बताया गया है। वहीं महाभारत में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण को प्रोजेक्ट किया गया है और यह द्वापर युग की घटना बताई गई है। रामायण में यहाँ 7 कांड है, जिसमें सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। वहीं महाभारत में 18 पर्व है, जिसमें 6वां पर्व भीष्म पर्व है, जिसके अंतर्गत हम भागवत गीता को रखते हैं, और सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व को माना जाता है। ये दोनों महाकाव्य इतने लोकप्रिय रहे कि भारत में जब मुगल काल था, विशेष तौर पे अकबर का शासन काल था, उस समय बदायूनी ने रामायण का फारसी अनुवाद इब्न हर करण नाम से किया था और महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से बदायूनी के द्वारा ही किया गया था। रामायण जहां हमें असत्य पर सत्य की विजय को बताने का या प्रेरणा का कार्य करती है, वही महाभारत से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि अधर्म पर हमेशा धर्म की विजय होती है। महाभारत के बारे में मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहूंगा कि महाभारत और रामायण हालांकि साहित्यिक स्रोत हैं, लेकिन इसको टैली करने के लिए विशेष तौर पर महाभारत के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर बीबी लाल, जो हमारे देश के प्रमुख पुराविद रहे, उन्होंने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया और वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए उनका कार्बन डेटिंग कराकर उन्होंने यह निर्धारित किया कि 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य संभवतः महाभारत का युद्ध हुआ रहा होगा, यानी जब उत्तर वैदिक युग की शुरुआत होती है उस समय महाभारत की घटना हमारे देश में घटी रही होगी, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पर हम पुराणों को भी रखते हैं। पुराण विशेष तौर पर 18 है और इसके रचयिता की जहां तक बात है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्व को उसके रचनाकार के रूप में देखा जाता है। और इतिहास के स्रोतों में विशेषकर वंशावली हमें पुराणों से प्राप्त होती है। जैसे मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए हम विष्णु पुराण की मदद लेते हैं, शुंगों और सातवाहनों के बारे में जानने के लिए हम मत्स्य पुराण की मदद लेते हैं, और गुप्तों के इतिहास को जानने के लिए हम वायु पुराण की मदद लेते हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को कहा जाता है और इन्हें पंचम वेद की श्रेणी में भी रखा जाता है, यानी पुराणों को 5वां वेद भी माना जाता है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत विशेष तौर पे यह बात देखने को आती है कि मानव जीवन का लक्ष्य होता है पुरुषार्थ की प्राप्ति। ये पुरुषार्थ 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी तरह
ब्राह्मण परंपरा में चार वर्ण माने गए हैं, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जान से वैश्य और पैर से शूद्रों की ओरिजिन हुई, और बाद में जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुए उससे अनेक जातियां और उपजातियां हमारे समाज में आई। धर्म सूत्र की यहाँ पे बात है, गौतम सूत्र, अपिस्तम सूत्र, वशिष्ठ सूत्र, बौधायन सूत्र, हमें और भी सूत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन सबके बारे में यहाँ पर बताना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। कि स्मृतियां जो है उसे सेकेंड सेंचुरी बीसी से नाइन्थ सेंचुरी एडी के मध्य संकलित किया गया, और याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति, मनु स्मृति, ऐसे अनेक स्मृतियों के बारे में हमें जानने को मिलता है। और ये जो स्मृति है मनु स्मृति, जिसको हिंदू धर्म का विधि शास्त्र कहा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम द कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से इसको अनुदित किया था। देवल स्मृति में हमें इस्लाम धर्म जिन लोगों ने धारण कर लिया हिंदू से, उनको वापस हिंदू धर्म में किस प्रकार लौटाया जा सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यह चर्चा रही धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्यों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। छठवीं शताब्दी से पूर्व में जब हमारे देश में धार्मिक क्रांति हुई, तो उस धार्मिक क्रांति में विभिन्न प्रकार के धर्म और संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि बौद्ध धर्म को सबसे अधिक राज्य आश्रय मिला, और जो चार बौद्ध संगीतियों के माध्यम से बौद्ध साहित्य संकलित किए गए, वह हमें इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आज हमारे समक्ष हैं, जो विशेष तौर पे पाली भाषा में भी है, संस्कृत भाषा में भी है, और उससे हमें तद्युगीन इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। त्रिपिटक जो विशेष तौर पे तीन है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में जहां हमें गौतम बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, उनके विचार या धर्मोपदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं विनय पिटक में हमें संघ संबंधी नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, और अभिधम पिटक में हमें दर्शन का विवेचन विशेष तौर पे प्राप्त होता है। एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, जिसमें छठवीं शताब्दी सपूर्व के 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा जो वार्तालाप किया गया था उसकी चर्चा की है। श्रीलंका के सिलोन के दो ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, जिससे हमें गौतम बुद्ध की जीवनी, बौद्ध सभाओं के बारे में जो चार मरतबा हुई थी, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश में विशेष तौर पर अशोक के बारे में हमें दीपवंश और महावंश से जानकारी प्राप्त होती है। जब बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का अभ्युदय हुआ, उसके बाद संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए जिसका रिलेशन बौद्ध धर्म से है, उससे हमें जैसे महावस्तु, ललित विस्तार, वज्रसूची, बुद्ध चरित जिसको अशोक घोष ने लिखा था, 28 सर्ग इसमें है, सौंदरानंद जिसमें 18 सर्ग है, सारिपुत्र प्रकरण, और वसुमित्र जो चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने महाविभाष सूत्र का संकलन किया जिसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प से हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और उसका रिलेशन बौद्ध धर्म से। इसके बाद हम लोग जैन लिटरेचर पे चर्चा करते हैं। दो जैन सभाएं हुई थी, एक पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरा वल्लभी में हुई थी, और इसके माध्यम से भी जैन साहित्य का संकलन किया गया था। 14 पर्वों की चर्चा मिलती है, लेकिन वर्तमान में 12 अंक प्राप्त हैं। जिनसेन ने जहां आदि पुराण की रचना की थी, हरिवंश पुराण की रचना की थी, गुणभद्र ने
उत्तर पुराण की रचना की थी, रत्नंदी ने भद्रबाहु चरित की रचना की थी और हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वत की रचना की थी। और भी जैन साहित्य हैं जिसके माध्यम से हमको अतीत यानी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य जो कि दक्षिण भारत में तीन संगमों के द्वारा संकलित किए गए थे, उससे हमें दक्षिण भारत के चेर चोल और पांडे राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग धर्मेश्वर साहित्य की बात करते हैं। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, इसमें 18 अधिकरण और 180 प्रकरण है। 1915 में यह प्राप्त हुआ था। विशेष तौर पर यह राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है और इससे हमें राजा के कर्तव्य क्या है, किस तरह राज किया जाता है, किस तरह प्रशासन किया जाता है, इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा इसमें दिया गया है। भास ने 13 नाटक लिखे थे जो तद्विघ्न इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखा था। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा था। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा था। इन ग्रंथों का रिलेशन किसी धर्म से नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतिहास की जानकारी देने का एक प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। कुछ जीवन चरित्र भी हैं, जैसे अश्वघोष की चर्चा मैंने की थी, बुद्ध चरित्र उन्होंने लिखा था। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा। बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा। यह भी एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा प्राचीन भारत में 1149-50 में कल्हण ने जो राज तरंगिणी लिखी, कश्मीर का इतिहास लिखा, उसमें उन्होंने जो आज के इतिहास की वैज्ञानिक लेखन पद्धति है उसको उन्होंने फॉलो उस समय किया था। यह भी एक आश्चर्यजनक माना जाता है और यह भारतीय इतिहास को प्राचीन काल में वैज्ञानिक तौर तरीकों से लिखने के जो टूल्स हैं उसको प्रदर्शित करता है। विदेशी आदमियों के वृतांत की भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत। प्राचीन काल में जो विदेशी हमारे देश में आए, जैसे यूनानियों में एक राजदूत के रूप में मेगास्थनीज आया और उसने इंडिका लिखा। हालांकि हमको इंडिका मूल रूप से प्राप्त नहीं होता, लेकिन डॉक्टर स्वानबेक ने 1846 में उसके उद्धरणों को संकलित करके इंडिका के नाम से प्रकाशित कराया और इसके माध्यम से मेगास्थनीज के विवरण से हमको मौर्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद मुख्य रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आने वाले फाहियान, जिन्होंने फो क्यों की लिखा, उससे हमें गुप्तयुगीन इतिहास के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है। वहीं यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाने वाले वेनज्यांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और उन्होंने सी युग की लिखा। इसके अलावा समुद्री रास्ते से भारत आने वाले चीनी यात्री इसिंग थे, उनके विवरण से हमें 7वीं सदी के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जब भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उसमें अल बरूनी आए, जिन्होंने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखा, उससे हमको 11वीं सदी के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तिब्बती लामा तारानाथ ने गंगयूर और तंजूर नाम का ग्रंथ लिखा, उससे भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह आज की हमारी जो चर्चा थी वह विशेष तौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर केंद्रित रही, जिसमें हमने धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत पर एक चर्चा आपके समक्ष यहाँ पर हमने प्रस्तुत की। थैंक यू।